एकावन शक्ति पीठों में एक शक्तिपीठ एटले पावागढ़ महाकाली माताजीनु मंदिर पावागढ़ डूंगर शिखर पर बिराजमान है महाकाली माताजीनु ऐतिहासिक और भव्य मंदिर। तो मित्रों आज वीडियो में अपने महाकाली माताजीना मंदिर और पावागढ़ इतिहास विषय जाणीए। तो चलो शुरू करिए। पावागढ़ पर्वत ए धरतीकंप और ज्वालामुखी प्रस्फोटन कारण शंकु आकार काला पत्थर पावागढ़ पर्वत अस्तित्व में आयो है। पर्वत पा भाग बाहर देखाता हो नाम पावागढ़ पड़ू एवं ओळखवामां आवे छे। आ पर्वत ऐतिहासिक और धार्मिक मूल्य धरावे छे। पर्वतना उच्चतम शिखर पर 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ महाकाली माताजी मंदिर है। पावागढ़ इतिहास की बात करिए तो यह मानवामां आवे छे कि देवी सतीना शरीर 51 टुकड़ा थया था, जेमां गुजरातना 3 स्थळे शक्तिना शरीर अंग पड़िया था, जेमां एक शक्तिपीठ अंबाजी माताजी मंदिर, बीजू शक्तिपीठ बेतराजी मां मंदिर ने तीजी शक्तिपीठ महाकाली माताजी मंदिर पावागढ़। आम पावागढ़ डूंगर पर महाकाली माताजी स्वरूपे शक्तिपीठ की स्थापना थी। पौराणिक कथा मुजब एक वक्त सुम निशुम नामना बे राक्षसों ये भगवान श्री ब्रह्मा जी पास थी वरदान मेळवी त्रणे लोक में हाहाकार मचाव्यो। त्यारे देवताओं आद्यशक्ति माने प्रार्थना करी अने राक्षसों वध करवा आद्यशक्ति ने देवी कौशिकीनु रूप धारण कर्यु। माता कौशिकीनु रूप देह माथी निकली जवाने लीधे मानु रूप क्षीण थता काळू पड़ी गयु अने त्यारथी नाम पड़ू कालिका मां। कालिका माताना आ स्वरूपे सम निशुम नामना राक्षसोनो संहार कर्यो हतो। तेमज आ सृष्टिमांथी तमाम राक्षसोनो काळ जाणे सामे आव्यो होय तेम माता कालिका सर्व राक्षसोनो वध करवा लाग्या, जेमाना एक मुंड नामना राक्षसनो पण वध करेलो ने छेवटे कालिका माताए विकराळ स्वरूप धारण कर्युं अने एक राक्षस हतो जेनुं नाम रक्तपित। आ राक्षस ने एक वर्ष वरदान हतुं कि तेने मारवामां आवे त्यारे तेना रक्त एटले के तेनुं लोही जमीन पर पड़े अने तेनुं बीजुं स्वरूप उत्पन्न थाय। तो आ राक्षसनो संहार करवा देवोए माताने प्रार्थना करी अने महाकाली माना आ विकराण स्वरूप साथे राक्षसोनो नाश करवा लाग्या। तेमज रक्तबीज नामना राक्षसनुं लोही जमीन पर पड़वाथी घणा स्वरूपो ऊभा थता हता। त्यारे महाकाली माता एक पछी एक राक्षसनुं धड़ शरीरथी अलग करवा लाग्या ने साथे साथे राक्षसना लोहीनुं रक्तपान एटले के लोही पी गया अने आवी रीते आ राक्षसना सर्व रूपोनो माताए संहार करी नाख्यो अने देवताओ खूब ज खुश थई गया। परंतु बीजी बाजु महाकाली माताजी अति कोपायमान थई गया हता, तेथी तेमने शांत करवा खूब ज जरूरी हता अने छेवटे देवताओ भगवान शिव पासे मदद मांगवा गया। भगवान शिव एक युक्ति करी अने ज्यां राक्षसोना लाशोना ढगला हता त्यां जईने वच्चे सूई गया। त्यां महाकाली माताजी चालता गया अने अचानक तेमनो पग जमीन पर सूतेला पोताना स्वामी पर पड्यो। भगवान शंकरे अवाज कर्यो तो माताए जोयुं के तेमना पग नीचे स्वयं पोताना पतिदेव। स्वामी ने पग नीचे जोई माताना मुंहमांथी जीभ बहार निकली गई अने माता शांत थई गया अने आवी रीते फरीथी माता पोतानुं मूळ स्वरूप एटले के आद्य शक्ति माता पार्वतीना रूपमां आवी गया। एवुं कहेवाय छे के ऋषि विश्वामित्रे पावागढ़ पर हजारों वर्ष सुधी तपस्या करी हती, तेमनी तपस्याथी प्रसन्न थई महाकाली माताजी प्रगट थया अने तेमने ब्रह्मत्वनुं वरदान आप्युं अने पछी माताजी पावागढ़मां स्थिर थई गया। अहीं विश्वामित्र ऋषिनी गुफा अने विश्वामित्री नामनुं झरणुं छे जे आगळ जता विश्वामित्री नदी तरीके ओळखाय छे। एवुं मानवामां आवे छे के नवरात्रिना 9 दिवस मां महाकाली अहीं गरबे रमवा माटे आवे छे। मंदिरनी बाजूमां सदनसा पीरनी दरगाह छे। पर्वतनी टोच पर श्वेत छाई धरावतुं दूधियुं तळाव छे। पर्वतना मध्य भागमां छासियुं तळाव અને તેલિયું તળાવ છે। પર્વતની નવલખી ખીણની ધાર પર પત્તેરાવળનો મહેલ, નવલખા કોઠાર, મકાઈ કોઠાર વગેરે સ્થાપત્યો છે। તેની ઉત્તરની દિશામાં 3 કુંડ છે જે ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીના નામે ઓળખાય છે। પર્વતની મધ્યમાં માચી નામની જગ્યા છે। પાવાગઢ પર્વત એ જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ માટે
अति पवित्र स्थल छे। अहीं दिगंबर जैन संप्रदायना कुल 9 देरासर छे, जेमाना 7 देरासर पर्वतनी सौथी ऊंची मौलिया टूक पर छे। दुधिया तळावना किनारे श्री सुर पार्श्वनाथनुं विशाळ अने प्राचीन देरासर छे। जुलाई 2004 गुजरातना चांपानेर पावागढ़ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिल्यु छे। तो पावागढ़ पर्वत पंचमहाल जिल्लाना हलव तालुका में छे। आ पर्वतनी तलेटी में गुजरातनी एक समयनी राजधानीनुं ऐतिहासिक शहर चांपानेर छे। मित्रों, चांपानेर विषे विस्तृत माहिती साथे बीजो वीडियो बनावेल छे, चांपानेरनो इतिहास, जेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शनमां आपेली छे। त्यां जईने तमे चांपानेर विषे समग्र माहिती जाणी शकशो अने माहितीने शेर पण करजो, जेथी गुजरातना भव्य इतिहास विषे बीजाने पण जानकारी मळी रहे। मित्रों, महाकाली माताजी मंदिर पावागढ़मां माताजीनी मूर्तिनुं स्वरूप शांत छे। अहीं दर वर्षे लाखों श्रद्धाळुओ पर्वत पर माताजीना दर्शन करवा माटे आवे छे अने तेमनी तमाम मनोकामना पूर्ण थाय छे। मित्रों, वीडियो पसंद आव्यो होय तो वीडियो ने लाइक करी देजो, शेर करी देजो अने हजु सुधी जो तो तमे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल ने सब्सक्राइब पण करी लेजो।